दोस्तों आज आईपीएल में एक और रोमांचक मुकाबला संजू सैमसन की राजस्थान और केएल राहुल की लखनऊ की टीम के बीच खेला गया। दोस्तों आज का मुकाबला राजस्थान के लिए करो या मरो की थी। प्लेऑफ में अपने उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए आज लखनऊ को हर हाल में हराना ही था, तो वहीं टॉप टू में अपनी जगह पक्की करने के लिए लखनऊ को भी ये मैच जीतना था। ऐसे में आज टॉस का भाग्य तो संजू सैमसन के पक्ष में गया। सैमसन ने टॉस जीतकर खुद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि कप्तान संजू सैमसन के फैसले को सही साबित नहीं कर पाए उनके ओपनर बल्लेबाज। दोस्तों आपको बता दें, राजस्थान के लिए ओपनिंग करने आए जोस बटलर और यशस्वी जायसवाल पहले विकेट के लिए सिर्फ 11 रन ही जोड़ पाए थे कि आवेश खान ने टीम के सबसे बड़े बल्लेबाज जोस बटलर को बोल्ड कर राजस्थान को बड़ा झटका दिया। दोस्तों बटलर का विकेट लखनऊ के लिए बड़ी सफलता थी, वही राजस्थान के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था, क्योंकि हम अभी जानते हैं अगर बटलर का बल्ला चल गया तो वे फिर ऐसे बल्लेबाज हैं जो अकेले ही पूरा रन बनाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन आज बटलर का बल्ला सिर्फ 2 रनों पर आकर थम गया। दोस्तों बटलर के जल्दी आउट होने से बाकी बल्लेबाजों पर दबाव ज्यादा बढ़ गया, खासकर कप्तान संजू सैमसन के ऊपर कप्तानी पारी खेलने का ज्यादा दबाव था। ऐसे में अपनी टीम की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए सैमसन ने 24 गेंदों में 32 रनों की पारी खेलते हुए टीम को बटलर के बड़े झटके से उबारा। हालांकि सैमसन अपनी पारी को अर्धशतक में बदल नहीं पाए, होल्डर ने उनकी कैच आउट करवाकर उनकी पारी को 32 रनों पर ही होल्ड कर दिया। दोस्तों सैमसन के बाद यशस्वी जायसवाल ने राजस्थान के लिए तेजी से रन बनाए। जायसवाल ने जहां 29 गेंदों में 41 रन बनाए हालांकि अपनी पारी को अर्धशतक में बदल नहीं पाए, तो वही देवदत्त पेडिकल ने भी राजस्थान की पारी को जबरदस्त गति देते हुए सिर्फ 18 गेंदों में 39 रन कूट डाले, लेकिन वे भी अपनी पारी को बड़े स्कोर में बदल नहीं पाए। दोस्तों पेडिकल के आउट होने के बाद राजस्थान की पारी थोड़ी लड़खड़ा गई। जब तक पेडिकल बल्लेबाजी कर रहे थे तब तक लग रहा था राजस्थान बड़े आसानी से 200 के पार पहुंच जाएगी, लेकिन उनके आउट होते ही राजस्थान की पारी पूरी तरह से लड़खड़ा गई, क्योंकि बाकी के बल्लेबाज रियान पराग जिमी निशम फ्लॉप साबित हुए। वो तो भला हो 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए ट्रेंट बोल्ट का, जिन्होंने अंतिम ओवर में आकर 9 गेंदों में 17 रन बना दिए, जिसकी वजह से राजस्थान की टीम 20 ओवर में 178 रनों का स्कोर खड़ा करने में कामयाब हो गई। ऐसे में अब लखनऊ को इस मैच को जीतने के लिए 179 रन बनाने थे, जो इतनी आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि राजस्थान की बल्लेबाजी तो भले ही बटलर पर टिकी है लेकिन उनकी गेंदबाजी काफी खतरनाक है। सभी गेंदबाज मिलकर शानदार गेंदबाजी करते हैं, ऐसे में तो लखनऊ के लिए इस रन को चेस करना इतना आसान नहीं था। वही दोस्तों लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ की शुरुआत बेहद खराब रही। राजस्थान ने करो या मरो के मुकाबले में लखनऊ को पावर प्ले में ही एक के बाद एक 3 बड़े झटके दिए। खासकर ट्रेंट बोल्ट ने तीसरे ओवर में 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर लखनऊ के खेमे में खलबली मचा दी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, क्विंटन डिकॉक 7 रन, केएल राहुल 10 रन और आयुष बदौनी बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए, और इसी के साथ ही 29 रनों पर 3 विकेट गंवाकर लखनऊ की टीम पूरी तरह से मुसीबत में फंस चुकी थी। ऐसे में दोस्तों लखनऊ की डूबती पारी को कुणाल पांड्या और दीपक हुड्डा ने संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 65 रनों की साझेदारी करके टीम के स्कोर को 13 ओवर में 100 रनों के करीब पहुंचा दिया। हालांकि कुणाल पांड्या बटलर और रियान पराग की शानदार कैच की वजह से 25 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अभी भी लखनऊ इस मैच में आगे ही थी, क्योंकि दीपक हुड्डा सेट हो चुके थे और 32 गेंदों में ही ताबड़तोड़ अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे, और दीपक के रहते राजस्थान एक और हार की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन तभी दोस्तों चहल के ओवर में कप्तान संजू सैमसन की शानदार स्टंपिंग ने मैच को पूरी तरह से पलट दिया। दोस्तों चहल ने स्लो गेंद फेंकी जिससे दीपक हुड्डा आगे बढ़कर छक्का मारना चाहते थे, लेकिन गेंद को खेल नहीं पाए और सीधा संजू सैमसन के पास चली गई, जिसके बाद संजू देर न करते हुए तुरंत स्टंप को उखाड़ फेंका, और इसी के साथ ही दीपक की पारी 59 रनों पर समाप्त हो गई, और फिर दीपक के आउट होते ही मैच पूरी तरह से पलट गया। राजस्थान के गेंदबाज पूरी तरह से लखनऊ पर हावी हो गए।